हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिलने जा रहा है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के रडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये पांचवी पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। चार पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। मंझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार हुई इस शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसके जन्म स्थल पर ही होने जा रही है। इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। INS वागीर एक कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। INS वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इसमें चार ताकतवर डीजल इंजन है। यह समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलती है। समुद्र की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलती है। बिना किसी दिक्कत के यह 350 फीट गहराई तक जा सकती है। यह समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। वागीर समुद्र के अंदर एक बार में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है। यह पनडुब्बी लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी इसमें सवार हो सकते हैं। INS वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की यह खासियत है कि यह अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब INS वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप ही नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इसकी करामाती तकनीक को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और INS वागीर की यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ है। इन 2 सालों में INS वागीर को कई मुश्किल परीक्षणों से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद बेहद खास बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।